इनेलो पार्टी द्वारा 25 मई को जेल भरो आंदोलन की घोषणा को लेकर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखे जाने के दृष्टिगत जिलाधीश मनीराम शर्मा ने जिला क्षेत्र के तीनों उपमंडलीय क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। लघु सचिवालय पलवल के लिए जिला राजस्व अधिकारी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल के लिए पलवल के तहसीलदार, सेक्टर 2 के लिए पलवल के नायब तहसीलदार, बस स्टैंड पलवल के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पलवल, बस स्टैंड होडल के लिए होडल के तहसीलदार व बस स्टैंड हथीन के लिए हथीन के नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। पलवल उपमंडलीय क्षेत्र में उपमंडलाधीश पलवल, हथीन उपमंडलीय क्षेत्र में उपमंडलाधीश हथीन व होडल उपमंडलीय क्षेत्र में उपमंडलाधीश होडल अपने क्षेत्र के ओवरऑल इंचार्ज होंगे। उपायुक्त मनीराम शर्मा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा द्वारा जारी की गई हिदायतों के दृष्टिगत जिलावासियों से आह्वान किया है कि वे गर्म हवाएं व लू से बचने के लिए यात्रा करते समय पानी साथ में रखें, से ढक कर रखें व पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। उन्होंने कहा कि गर्म हवाओं व लू के समय खड़े किए गए वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़े, दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर जाने से बचे और भारी काले व तंग कपड़े पहनने से बचे। इसके साथ साथ तापमान अधिक होने की स्थिति में श्रम युक्त कार्य करने से बचें, दिन के समय गर्म समय में खाना खाने से बचें व खाना पकाते समय दरवाजे और खिड़कियां खोल के रखें, शराब चाय कॉफी और कार्बोनेटेड पीतल पेय से बचें जो शरीर में पानी की कमी करते हैं, और उच्च प्रोटीन युक्त व बासी भोजन ना खाएं। उपायुक्त ने कहा कि गर्म हवाएं व लू काफी तेज है और ऐसी कठिन परिस्थिति में सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने जिला वासियों को परामर्श देते हुए कहा कि गर्म हवाएं व लू से बचने के लिए एहतियात बरतें, स्थानीय मौसम की भविष्यवाणी के लिए रेडियो सुने, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें, ताकि उन्हें समय समय पर गर्म हवाओं व लू की जानकारी मिल सके। धूप में बाहर जाने के दौरान हल्के रंगों के ढीले फिटिंग के व सूती कपड़े पहने, सुरक्षात्मक चश्मे, छाता, पगड़ी, टोपी, जूते या चप्पल का उपयोग करें और यात्रा करते समय अपने साथ पानी अवश्य रखें। यदि आप बाहर काम करते हैं तो टोपी या छाते का उपयोग करें। इसके साथ साथ सिर, गर्दन, चेहरे और अंगों पर नम कपड़ा रखें। शरीर को पुनः हाइड्रेट करने के लिए ORS या घर के बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें। गर्मी के स्ट्रोक, गर्मी के दाने या गर्मी से ऐंठन जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, मिर्गी व दौरे के लक्षणों को पहचानें और यदि बेहोश या बीमार महसूस करें तो तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। उपायुक्त ने कहा कि जानवरों को छाया में रखें और उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में पानी दें। अपना घर ठंडा रखें, दिन के दौरान पर्दे पटर का उपयोग करें, रात में खिड़कियां खुली रखें व पंखों व नम कपड़ों का उपयोग करें व ठंडे पानी से नहाएं। कार्यस्थल के पास ठंडा पेयजल उपलब्ध कराएं। श्रमिकों को प्रत्यक्ष सूर्य के समक्ष होने वाले कार्यों से बचाएं और श्रम युक्त कार्यों को दिन के ठंडे समय के दौरान करें। बाहरी गतिविधियों के दौरान आराम के समय को बढ़ाएं और गर्भवती मजदूरों का चिकित्सकीय परामर्श की स्थिति में अतिरिक्त ध्यान देना अति आवश्यक है। के प्रधान सुरेंद्र सिंह जी, भाई जीतू जी, पंडित रामदत्त शर्मा जी, ये एक बहुत ही ओरिजिनल टीम के साथ आज निरीक्षण करने के लिए हम जगह का आए कि कहाँ इन गाड़ियों का हम स्थान तय करेंगे। तो आज ये हमने तय कर लिया है कि KMP पुल के नीचे हमारी सैकड़ों गाड़ियाँ, लगभग 200-250 गाड़ियाँ होडल विधानसभा क्षेत्र से लोगों को लेकर यहाँ गिरफ्तारी में पहुँच रही हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ गिरफ्तारी देंगे। हमने पलवल में अभय सिंह चौटाला जी के साथ, दुष्यंत चौटाला जी के साथ और बहुत बड़ा इंतजाम है। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर पानी का इंतजाम किया है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया है और उनकी हर समस्या को लेकर जो गाड़ियों में सवारी आएंगी उनके साथ पानी के टैंकर पर वो पानी की गाड़ियाँ भर के चलेंगी ताकि गर्मी का टाइम है कोई दिक्कत नहीं आ जाए। हमारे प्रधान जी ने, हमारे उन सभी साथियों ने मिलजुल कर जो इंतजाम किए वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छे इंतजाम जुटने के आसार हैं। इसमें गिरफ्तारी आंदोलन में हमारे पलवल में कम से कम 5,000 आदमी आने की संभावना है, जो होडल क्षेत्र से 2,500 आदमी, 2,000 आदमी होडल क्षेत्र का यहाँ इसमें शिरकत करने की उम्मीद हम आपको जता रहे हैं। हमने एक एक गांव का दौरा करने के बाद कल सूची तैयार की है, फाइनल लिस्ट बनाई है जिसमें 250 गाड़ियों का काफिला हमारे साथ आके वहाँ शिरकत करेगा। तो हमें उम्मीद है 5,000 आदमी इसी तरीके से तीनों हल्काओं से लोग आएंगे तो 5,000 आदमी वहाँ।
लेकिन कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल का कहना है कि इस अपने पलवल जिले के इलाके को एसवाईएल का कोई फायदा ही नहीं होगा। नहीं नहीं, ये तो दलाल साहब इलाके के लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि लोग इकट्ठे नहीं हो जाएं, ताकि लोग इनेलो वालों के साथ ना लग जाएं। ऐसा नहीं है, जिस दिन एसवाईएल का पानी आ जाएगा, सबसे ज्यादा मेवात हमारा जिला पलवल, भिवानी जिला, दक्षिण हरियाणा को फायदा होने वाला है, क्योंकि एसवाईएल का मतलब है यमुना लिंक नहर। हमारे यहाँ भी यमुना में डालेंगे उसको, करनाल में यमुना में डालेंगे, यहाँ से लिंक नहरें बनेंगी और उससे नहरों में डल के ये पानी मेवात को सिंचित करेगा, दक्षिणी हरियाणा को सिंचित करेगा, हमारे क्षेत्र को बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे।